तो दोस्तों आज हम रालामंडे जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इंदौर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यह होलकर राजा महाराजाओं के समय से बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्त हम आईटी पार्क पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम खंडवा रोड है वहाँ से जाएंगे। तो आपको बताएंगे कि राला मंडल में क्या क्या दृश्य है, सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं आईटी पार्क, आप दिख रहा होगा आईटी पार्क। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों का गाँव, यहाँ से आपको दिख रहा होगा राला मंडल बयान, क्योंकि यहाँ से 256 किलोमीटर दूर है। ठीक है, हम पहुँचते हैं राला मंडल। तो दोस्त हम राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंच चुके हैं। ये समुद्री तल से 782 मीटर है, जो कि देखा दे आप देख रहे होंगे कि जमीन लेवल से कितना ऊपर है। तो हम आप हमारे वीडियो में बने रहे, आगे बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला। चलो आप मिलते आगे। यहाँ पर जो फैमिली टाइप आते हैं वो यहाँ पर बैठ के भोजन भी कर सकते हैं। गर्मी के समय में बैठने का ये बहुत अच्छा मतलब सुविधा दी गई है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर पानी पीने की भी सुविधा दी गई है। मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया। दोस्त जब आप आओगे यहाँ पर राला मंडल तो काली हरी नजारा नजारा। दोस्तों ये राला मंडल का दूसरा विश्राम ग्रह। राजा भाई कैसा लग रहा है नजारा? यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा, और यहाँ पर फिलहाल में तो बाइक नहीं लाने दे रहे, हालांकि पैदल से ही आ रहे और पैदल से ही काम चला रहा, लेकिन अच्छा बहुत मजा आ रहा। कैसा लगा आपको पैदल सफर करते हुए? बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पर देखने का रास्ता भी अच्छा है। मीटर की हमने ये पैदल तय की है, आगे हमारे राकेश सर बताएंगे। हाँ तो सर बताइए। तो सर यहाँ 782 मीटर ऊंचाई है, जो समुद्र के तट से ऊंचा है। यहाँ पर बहुत ही मजा आया, हम लगभग 782 मीटर पैदल ही चढ़े। और क्या बात है, क्या बात है, जो किला दिख रहा है होलकर वंशों का शासकों का किला है। दोस्तों यह गाड़ी जो ऊपर तक आने के लिए प्रोवाइड की जाती है, लेकिन पैदल आना चाहो तो पैदल भी आ सकते हैं, ये वैकल्पिक होता है दोस्तों। तो दोस्त आपको बताया था हमने कि जो समुद्र तट से तो ये 782 मीटर पर हम पैदल ही सफर करके आए। बस
हूँ।